गाइज, आपने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि इग्लू जो कि बर्फ का घर होता है वो बर्फ के बनने के बावजूद भी इतना गर्म कैसे। तो गाइज वेलकम टू रैक्स फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इग्लू बर्फ से बने होने के बावजूद भी इतना गर्म क्यों होता है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, हमें ठंड तब लगती है जब हमारे शरीर से हीट निकलती है। हीट हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। जब बाहर का तापमान हमारे शरीर से कम होता है तो हीट हमारे शरीर से बाहर निकलती है। आपके शरीर से जितनी हीट निकलेगी आपको उतनी ही ठंड लगेगी। और हमारा शरीर रेडिएशन के जरिए हीट निकालता है। अगर इस रेडिएशन को किसी तरह से रोक लिया जाए तो हम ठंड से बच सकते हैं। कंबल भी यही काम करता है। कंबल आपके शरीर से निकलने वाली रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए हमें कंबल के अंदर गर्माहट महसूस होती है। सबसे पहले इग्लू के काम करने के तरीके को समझने के लिए हम आइस और स्नो के बीच का फर्क समझते हैं। बोलचाल की भाषा में हम आइस और स्नो को दोनों को ही बर्फ बोलते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। आइस यानी बर्फ पानी की पूरी तरह जमने से बनती है, जबकि स्नो में लगभग 10% पानी होता है और 90% हवा होती है। गाइस, आपको बता दें कि ये जो स्नो होती है ये बहुत ही बुरी हीट कंडक्टर होती है। जब इग्लू के अंदर आपका शरीर हीट रेडिएट करता है तो ये हीट ऊपर जाती है। स्नो के बहुत ही बुरे हीट कंडक्टर होने के कारण ये हीट उसके बाहर नहीं जा पाती। इस तरह से इग्लू एक कंबल का काम करता है और हमें ठंड से बचा लेता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री है तो इग्लू के अंदर का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री मेंटेन किया जा सकता है। एक और बात, इग्लू के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।